एक्चुअली यही है, इंडियन नहीं विदेशी खिलाड़ी इस प्रकार का हरकत करते हैं। ये पहले इंडियन है जो विदेश। हो या आने वाला साल हो, इससे बढ़ चढ़कर होगा लेकिन माइनस नहीं। फिलहाल जर्सी नंबर 27 रफ्तार के बाद सा अभिमन्यु महतो नेग्रो हेमरम के लिए चैलेंज को पेश करेंगे और गोलकीपर ये इंडियन नेग्रो है। वैसे तो नेग्रो हम लोग नाइजीरियन को कहते हैं लेकिन नाम है नेग्रो हेमरम। काम कैसे करेंगे प्रमुख गोलकीपर के तौर पर की कह रही है वाइडी। लेडीज टीम आप लोग रेडी रहेंगे, इसके बाद बार बार घोषणा किया जा रहा है। और पावर को जनरेट किया गया था लेकिन ये देखिए नेग्रो, एक्चुअली यही है, इंडियन नहीं विदेशी खिलाड़ी इस प्रकार का हरकत करते हैं। ये पहले इंडियन है जो विदेशी खिलाड़ी का और अभिमन्यु को अपने स्टाइल में धन्यवाद देते हुए कि डायरेक्टली पावर में आप पावर को तो आपने जनरेट किया था लेकिन कोई काम नहीं आया। चलिए अपने जबरदस्त गोलकीपिंग के बलबूते यहां पर हेमरम एफसी की टीम को कहीं ना कहीं एक कदम स्टेप आगे बढ़ा तो दिया है ये कमाल के गोलकीपर बंदा नेग्रो हेमरम जी। लेकिन इस प्रकार की गोलकीपिंग क्या लांडू कर पाएंगे, काम चलाओ गोलकीपर क्या करते हैं। अगर आज बोबी को ट्राई नहीं किया जा रहा है लेकिन जर्सी नंबर 12 जो सबसे सफल खिलाड़ी है मिंटू बिरुआ, ये अच्छी शुरुआत की उम्मीद के साथ हेमरम एफसी के लिए पहला शॉट डालते हुए और उम्मीद किया जा सकता है लांडू से कि जिस प्रकार नेग्रो ने करा दिखाया था कमाल, क्या यहाँ वो भी कर पाएंगे रिप्ले। दिलों की धड़कन जरूर बढ़ रही है हमारी भी, चलिए देखते हैं। वाह, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, विश्वास तो नहीं होता। लीजिए आप अगर हमें गुड बाय टाटा कहिएगा तो मैं डिप्स मार के आपको धन्यवाद दूंगा, ये हुई ना बात। वाह क्या कमाल धमाल, अब धोती को फाड़ के रुमाल, वाह रे वाह। अब ऐसा लग रहा है इन तमाम चीजों को देखकर राजन कर्मा रुकेगा नहीं, अल्फाजों की बरसात यहाँ चाहिए, जरूर चाहिए। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ना मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर कभी। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट के मगड़ू गांव और वही नेग्रो बाबू तैयार है लाल गंजी में गोलकीपर। क्या रोमांच है यार, यही तो अकड़ा साहू जी का देन है, यही मनोरम दृश्य है मुकुंद साहू पदमपुर मेला का। ये ग्राउंड मगड़ो और नेग्रो दोनों के बीच तैयार, कमजोर दिल वाले लोग ना ही देखे तो बेहतर होगा। नहीं नेग्रो यहाँ काम नहीं करेंगे यहाँ, और मगड़ो जिसके लिए जाने जाते हैं बाखूबी ढंग से वो अंजाम कर दिखाया, लेकिन क्या लांडो फिर से यहाँ पर चमकदार और धारदार और रिदमदार गोलकीपिंग का प्रदर्शन दिखाएंगे और डिप्स के बाद फिर क्या एक्शन क्रिएट होगा। वहां तो डिप्स हुआ था, 36 इंच का सीना पर लोग 38 इंच का सीना बनाने के लिए जो मैदान में कसरत करते हैं, छाती को कभी जमीन में टच करते हैं कभी उठाते हैं हाथों के बलबूते, वो कर दिखाया था वहां पे। अब बारी एक एक की बराबरी पर आने का, जर्सी नंबर 3 मिर्जा मुर्मू और सामना करेंगे गोलकीपर लंबी शॉय जो जंजीर के खसम खास खिलाड़ी हैं। नहीं सैम दिशा को चूज कर रहे हैं और क्वालिटी कॉप थी यहां पर, क्वालिटी किक आई थी। अब यहां पर एक और बढ़त की जरूरत है और एक बचाव की जरूरत भी है। सेमी फाइनलिस्ट टीम बनने की जिद्दोजहद दोनों ही टीम को यहां तक खींच कर लाई है। पूरे मैच में फुल हाई इंटेंशन रहा और यहां पर भी फुल वोल्टेज देखने को मिल रहा है। स्वयं किक करेंगे लांडो बाबू और अच्छी गोलकीपिंग जब हो तो परिवर्तन की गुंजाइश नहीं बनती है, क्या जरूरत है, बने रहिए लगे रहिए।
आखिरी किक और एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने की आवश्यकता है यहाँ पर। गोल पोस्ट की लंबाई चौड़ाई को मन ही मन और आंखों ही आंखों में भापते हुए इस वक्त कीकर महोदय अभी भी परिणाम अंधेरा में। आखिरी किक जरूर हो रहा है, सम्मानजनक स्कोर तक आने के लिए गोल की जरूरत है। दर्शक लीजिए अपना बांस का सहारा ले रहे हैं, लेकिन मत लीजिएगा, आप लोग बांस के ऊपर चढ़ गए हैं, ये टूटेगा भाई आपका बार, आपका वजन को ले नहीं पाएगा हमारा ये बांस बैरियर। वाह, गोली की रफ्तार प्लस जमीन से 8 इंच की ऊंचाई को देते हुए भेजा गेंद को गोल जाल में और इस तरह से 2-1 की बढ़त अभी भी टीम के पास। बाइडी अब चाहिए बराबरी पर आने के लिए हैमरो एफसी की टीम को, यहां गोल में जाल में फुटबॉल को डालना, गोल जाल में। सबसे सफल खिलाड़ियों में से खिलाड़ी जो इस मैच के गोल दाता थे बबलू सोरेन, इसको भेजा जा रहा है कप्तान सुजित तीव के द्वारा, जो कि टीम के जो कप्तान थे और सुजित तीव जर्सी नंबर 9 पर थे, और ये जो किक कर रहे हैं ये 8 नंबर बबलू सोरेन जो इस मैच के गोल दाता थे। गोल हुई तो फिर से बराबरी और चमत्कारी गोलकीपिंग हुई तो सीधे सेमीफाइनल में। ये है इस अंतिम शॉट का माजरा, क्या होगा आइए देखते हैं। नहीं, अगर सुई से काम चले तो तलवार निकालने की क्या जरूरत है, जहां आप बुद्धि से काम चले वहां बल का प्रयोग करने की क्या जरूरत है, वही करते हुए बबलू सोरेन और मैच को पहुंचा दिया है एक बार फिर से ड्रॉ, और मैच चले गई टॉस पर। अब याद कर लीजिए सिंह मोगा मारंग मोगा ईश्वर प्रभु अल्लाह किसी को भी, अब वो मेहरबान तो गधा पहलवान, ऊपर वाले मेहरबान तो गधा पहलवान, अब मेहरबान किस्मत जो है इसमें होती है। दोनों ही कप्तान हालांकि टॉस प्रोटोकॉल में जाएंगे, दो कप्तान चले जाएंगे रेफरी महोदय के समक्ष। सेमी फाइनल की टीम बनने में अभी भी वक्त लग रहा है, कहीं जाइएगा मत, भीड़ मत तोड़िए, अभी भी रोमांच बना हुआ है क्योंकि मैच, इससे बड़ी रोमांच की बात क्या हो सकती है। और गुरुजी कागज की पुड़िया को लेकर दोनों ही टीमों की किस्मत को जमीन पे जरूर और हवा में सिक्के की उछाल किए हैं, और हाथ उठाकर जीत का वादन को स्वीकार किया जाए। आखिरकार एक मिनट रेफरी महोदय अच्छा, यहाँ पर झूठा दिलासा देने का प्रयास कर रहे थे मंगलू, लेकिन सच ये है कि हैमरम की टीम इस बाजी को अपने नाम